till I get up. Time is barely on our side. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद राबी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हम लोग मिल्कशेक की रेसिपी। इसे जापानी फल भी कहते हैं। हम लोग में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसमें विटामिन ए और सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। यह हमारी बोन्स वीकनेस को दूर करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। स्टार्ट करते हैं। मैंने दो जापानी फल लिए हैं, 1 ग्लास मिल्क लिया है, 3 टेबल स्पून शुगर ली है, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लेना है। सबसे पहले 2 अमलोक ले लेंगे, इसे अच्छे से वॉश करने के बाद कट कर लेंगे, फिर इसे पील ऑफ करना है। सेंटर में जो इसका पल्प होता है वो निकाल लेंगे एक अलग से प्याली में, और इसकी बिल्कुल रिमूव कर देनी है। अमलोक आई वीकनेस को भी दूर करता है। अगर आप थके थके रहते हैं तो इस मिल्क शेक का ज़रूर ट्राई कीजिए। यह इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। ये अमलोक का सीज़न है, आप मिल्क शेक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी मिल्क शेक हो ज़रूर लेना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसी तरह सारे कट करने के बाद इसका पल्प निकाल लेंगे। मैं 2 ग्लास मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पल्प निकाल लिया है, अब 1 ग्लास मिल्क लेंगे, ऐड कर देंगे अमलोक का पल्प, शुगर ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करना है। अब इसे ब्लेंड कर देंगे। प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है, हर चीज़ मिक्स हो जानी चाहिए। बहुत क्विक रेसिपी है, जल्दी बन जाता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिल्क शेक बन चुका है, अब हम इसे ग्लास में निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं इसमें। बहुत कम वक्त लगता है और मिल्क शेक रेडी हो जाता है। यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्किन को अच्छा करता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह मिल्क शेक पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।